जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा। मैं समीर यदुवंशी एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और ये वीडियो वही है, मतलब उसी टॉपिक पे है जिस पे मैंने अभी दो तीन दिन, शायद चार दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो डाली थी अफगानिस्तान की। तो ये वही वीडियो है सेम। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इंडियन जो अफगानिस्तान में गए हैं उनके और वीडियोज लेके आऊँ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, ठीक है। और ये वीडियो अब निम्रा का है। निम्रा पूछ रही है जाके, भाई बाबा जी से पूछेगी कि अफगानी क्यों हमसे नफरत करते हैं। तो भाई चलो देखते हैं फिर इनके जवाब पे हम करते हैं अपना, है ना, अच्छे वाला। क्योंकि सबको पता है भाई, भांड गधे की गांड इज इक्वल टू पाकिस्तान। क्योंकि इनकी बातें और इनके जितने यूट्यूबर्स हैं सारे माशाल्लाह सुबहान अल्लाह हबीबुल्ला ऐसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो भाइयों शुरू करते हैं बिना किसी देर के, क्योंकि वीडियोस ना लंबी हो जाती हैं वो, मैं इसलिए कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरा ना स्टॉप कर करके बोलता हूँ ना, वो गंदी चीज़ हो गई है। तो मैं कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो चलो भाई शुरू करते हैं फिर। बात यह है कि शुरू से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान आवाम को सपोर्ट किया है, करते रहे और कर भी रहे हैं, तो इसके बावजूद वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बोलते हैं? इन्हें बोलना चाहिए, उनको शुक्रगुजार होना चाहिए। क्या सपोर्ट किया उनको? यहाँ नहीं दी जगह, नहीं दी उनके रहने के लिए। उनको यहाँ जगह देने के बावजूद वो हमारे खिलाफ क्यों बोलते हैं? वो नई जो आई गवर्नमेंट आई है, नहीं नई गवर्नमेंट से पहले भी वो हमारे खिलाफ ही बोलते थे। वो तो उनकी आदत है। क्यों भाई? वो उसकी जो पॉलिसी है, उसकी अपनी एक पॉलिसी है। वो तो फायदा उठाना चाहते है पाकिस्तान से, पाकिस्तान से उठा भी रहे हैं फायदा। कैसा फायदा उठाना चाहते हैं सर? ये तो कुछ कह नहीं जा सकते, इंटरनल मामला होते हैं गवर्नमेंट के। सर अफगानियों की आपने अभी बोला अलग पॉलिसी है, उनकी अलग पॉलिसी पाकिस्तान में रहते हुए कैसे हो सकती है? पाकिस्तान में रहते तो उनको सपोर्ट में बोलना चाहिए पाकिस्तान की फेवर में। इस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अफगानी मौजूद है वो भी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, तालिबान हुकूमत भी हमारे खिलाफ बोल रही है, पूरा अफगानिस्तान हमारे खिलाफ है। ऐसा क्यों भाई? वो हुकूमत अपनी काम करना चाहती है, जैसे अफगानिस्तान पे तालिबान ने किया ना कब्जा, सर अफगानिस्तान पे भी तो पाकिस्तान पे भी करना चाहते हैं। वो अफगानी जो है वो यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं, जाहिर बात है। आपको क्या लगता है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं पाकिस्तान में रहते हुए कि वो हम पर कब्जा कर लें, अपनी हुकूमत ले आए? पाकिस्तानी कौम जितनी जफाकश है ना, ये सोच भी नहीं सकते ये कब्जा कर ले। जफाकश मतलब जज्बा बहुत है। हाँ जज्बा है। अभी जज्बा कहाँ है? इकोनॉमी आपकी किस नंबर पर है? आपकी मईशत किस नंबर पर है? ये वाला सिर्फ लड़ने का जज्बा है? सिर्फ लड़ने का भी जज्बा है, मार्शल को भी देखना है हमने। तो देख क्यों नहीं रहे सर? किसने देखना? गवर्नमेंट ने देखना था, हमने देखना है। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है ना, जो ऊपर बैठी है अथॉरिटी। तो ये जज्बा जो आपने बोला है, जो जफाकश, वो आवाम ही है या फिर गवर्नमेंट भी है? ये गवर्नमेंट के अंदर भी तो है बंदे, होने चाहिए ना, होने चाहिए। अफगानी हमारे खिलाफ ही क्यों रहते हैं? आपको क्या लगता है ऐसा क्या पाकिस्तान ने किया है अफगानियों के साथ जो अफगानी हमेशा हमारी मुखालफत ही करते हैं? मुखालफत पाकिस्तान ने उनका फायदा ही किया है, नुकसान नहीं किया। किस तरह से फायदा किया है? सपोर्ट किया उनको, रहने के लिए जगह दी है, उन्हें हर चीज दी है, उसको सिटीजनशिप दी है, शहरियत दी है पाकिस्तान ने। हाँ तो भाई चाचा के ऊपर बात कर लेते हैं। चाचा कह रहे हैं कि उनको रहने के लिए जगह दी है, सिटीजनशिप दिए हैं, पाकिस्तान ने बड़ी हेल्प करी है, अड्डे पाकिस्तान ने दिए, हमले पाकिस्तान ने करवाए हैं, यूएस के साथ मिलके इन्होंने करे, ठीक है। जो यूएस से असला आया था रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए, इन्होंने उससे हमले भी करे। और जो अफगानिस्तान यहाँ पे रिफ्यूजी बन के आए थे पाकिस्तान में, उनको रखने के लिए इनको पैसे मिलते हैं तब रखे हैं। ये तो ऐसा कौन सा चूतिया देश है जो अपने ही देश में, मतलब अपने घर में बर्डन पालेगा? छोटी सी बात है, कोई भी सोच सकता है यार। ये तो क्या, हमारे यहाँ पे तो साले घुस घुसा के रहते हैं, फिर भी यहाँ पे हम भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नंगे नाचने वाले हैं ना, घाघरा उठा के नाचने लग जाते हैं रोडों पे। लेकिन यहाँ पे उन रोहिंग्या बांग्लादेशियों का तो बड़ा ख्याल है जो इलीगली आके रह रहे हैं, जो लीगली आए हुए हैं, लीगली उन्होंने इंडिया की नागरिकता ली हुई है, मजनू के डीले पे रहते हैं, उनको एक चवन्नी तक देने नहीं जाता बढ़वा। तो चलो भाई आगे देखते हैं इनकी बकचोदी। रह तो रहे शहरियत जो है उनको हासिल तो हो गई है यहाँ की, लेकिन अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने कैसे सपोर्ट किया है? वो हर तरीके से किया, हर फाइनेंशियली मदद की है हमने, बिल्कुल की है। जब वो उनके आते हैं क्राइसिस वगैरह आते हैं या जल्जले तूफान वगैरह आते हैं तो यहाँ दादी सामान नहीं जाता। आखिरी दफा कब की गई थी मदद? ये पिछले
जो गवर्नमेंट गई है तब तो याद नहीं आना है। इंडिया ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी, उनकी कंदम भिजवाई थी वहाँ पर, कैंप्स भिजवाए थे, मेडिसिन भिजवाई थी। अभी भी भिजवाई है ना, अगर इंडिया में है तो इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान ने भिजवाई होंगी। अगर पाकिस्तान ने ज्यादा भिजवाई है तो फिर वो इंडिया की तरफदारी क्यों कर रहे हैं, हालांकि अफगानिस्तान तो है मुसलमान। मतलब होगा ना भाई, इंडिया से तो मतलब होगा। कैसा मतलब? तो मामला आता है, उनसे कुछ ज्यादा फायदा खाना चाहते होंगे। अफगानिस्तान तो फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट कर रहा होगा इंडिया को, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा होगा। अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है तो इस लिहाज से तो उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए ना। आप कह रहे हैं चाहिए, लेकिन आजकल जो क्या कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो हमें से एक दो बंदे ऐसे होते हैं। सर पूरे अफगानिस्तान की बात है, यहाँ एक दो अफगानियों की बात नहीं मैं कर रही। अजीब है सिलसिले, ये क्या करें, हम क्या कह सकते हैं अवाम के बारे में। हर बंदे की ना अपनी अपनी राय है। अच्छा मुझे बताएं कि हम देखते हैं अफगानियों की जो मोहब्बत है वो इंडिया के साथ बहुत गहरी है, क्यों गहरी है, ऐसा क्या किया है इंडिया ने जो हम बजाते खुद मुस्लिम कंट्री होने के नाते नहीं कर पाए। करना चाहिए, हम भी करते हैं, उनको भी करना चाहिए, तो वो मुस्लिम कंट्री है ना एज ए मुस्लिम। वो इंडिया तो इंडिया क्या है, उनका अपना एक मजहब है ना। मतलब तो अपना, फिर अगर हम आप बात करना चाह रहे हैं बेसिकली नॉन मुस्लिम की बात करना चाह रहे हैं, हमें बड़ी तकलीफ होती है जब हमारी मुस्लिम कंट्री के साथ भारत के ताल्लुक। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, अगर तमाम मुस्लिम कंट्री या मुसलमान इकट्ठे हो जाए ना, ये जो इंडिया अमेरिका हुआ इसराइल वगैरह ना, ये कुछ भी नहीं है, एक मिनट में खत्म हो जाएगा। हम मुसलमानों में वो इतिहास कायम नहीं रहने देती, ये गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट कायम नहीं रहने देती। मतलब ये हमारी अपनी गवर्नमेंट है, वो कह रहे हैं कि इनमें इख्तलाफ, ये आपस में लड़ते रहे। सर मैं तो 75 सालों की बात कर रही हूँ, मैं अभी करंट की तो बात कर ही नहीं रही, मैं तो पूरा बात वैसे यही सुनते आए हम। क्या सर यही से हो रहा है? चलिए सर बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज देखी भाई, नोटिस करी है, इनका साला चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, इनके जवान पे एक ही नाम रहता है, इसराइल अमेरिका इंडिया, इसराइल अमेरिका इंडिया, ये कुछ नहीं हमारे सामने। भड़वो तुम ले भी तो हमारे ही रहे हो, खा भी तो हमारा ही रहे हो, हर चीज़ हमारी तुम यूज़ कर रहे हो, मत करो ना इतना, तुम्हें वो है, जाओ मुस्लिम कंट्री के साथ ट्रेड भी मत करो, कुछ मत करो, तुम्हें वैसे तुम्हें है जलन भी इनसे है और चाहिए भी इनका तुम्हें है, हर चीज़ यूज़ भी करनी है, मत करो ना। 20 साल नहीं गुजार सकते तुम बिना नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के, हैं नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के तुम्हें इतनी होती है और जाके वहीं मरवानी होती है तुम लोगों को, जाओ ना मुस्लिम कंट्री में कमाओ, वहाँ पे क्यों जाते हो? यूरोप जाना है, वेस्ट जाना है हमें, तो तब तो नॉन मुस्लिम कंट्री दिखती है, वैसे तुम्हारी गैरत मर जाती है, वैसे तुम्हें मुस्लिम कंट्री नहीं दिखती है। हम मुसलमान अला कौम हैं, तो क्यों जाते हो भाई गिने हुए लोगों के पास, क्यों जाते हो, क्यों यूज करते हो उनकी चीजें, मत करो ना। छोटे आदमियों की चीजें क्यों यूज करते हो तुम लोग? तो भांड गिरी ना, ये दोगलापंती, पिछवाड़ों से भी काटना और मुंह से भी काटना ये मत करा करो, नहीं तो किसी ने पिछवाड़े से काटने जाओगे ना, सरिया घुसा देंगे उसी में और मुंह से निकलेगा फिर, समझ गए? बकचोदिया करवा लो इन लोगों से, सही बताऊँ। अरे भाई मैं निमरा की बात करता हूँ। हाँ निमरा, क्या भाई तुझे नहीं पता क्या कि जो अफगानी यहाँ रहते हैं उनके लिए फंड आते हैं, उनके लिए पैसे आते हैं, कश्मीर जो पाकिस्तान करता है उसके लिए भी पैसे आते हैं, तुम्हारे यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसके लिए पैसे आते हैं, हर चीज़ के लिए तुम्हारे पास पैसे आते हैं, तुम अपना करते क्या हो? तुम लोगों का अगर कोई होता है ना, पहला ऑप्शन रहता है भीख मांगना, अगर भीख नहीं मिलेगी फिर हम मेहनत करेंगे, ये दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा है, और दूसरे ऑप्शन में आते हो फिर तुम्हें ये मिल जाती है, वो पूरी घुस जाती है अंदर, क्योंकि भीख पे ज़िंदगी काटना है और फिर उसके बाद सोचना मेहनत करना, फिर तो भाई साहब पसीना यहाँ से नहीं पिछवाड़े से आता है फिर तो। भाई मैंने निमरा से कहना चाहता हूँ, वैसे बड़ी रिसर्च करके आती है ये तो है, इसको ये नहीं पता बाबा को उसने बोला नहीं कि भाई अड्डे किसने दिए थे, ये भी बता दे जरा, अड्डे गड्ढे पार कर किसने दिए थे, सारे फंड्स आते हैं किसके नाम पे आते हैं, अफगानियों के नाम पे आते हैं, इतने अफगानी यहाँ रहते हैं इसलिए। तो चलो भाई वो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए चलता हूँ, मिलता हूँ मैं इसके दूसरे पार्ट में, वो पार्ट रहेगा सरदार जी के साथ, चलता हूँ मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।